हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यूपीएससी की नोटिफिकेशंस यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे थे और इस फॉर्म की वेट कर रहे थे, तो आपकी वेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि फॉर्म अब आ चुकी है और लास्ट डेट जो रिसिप्ट है एप्लीकेशन का वो 3 मार्च है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आज से आप इसको फ़िलअप कर सकते हो और 3 मार्च तक आप इसको फ़िलअप कर सकते हो, शाम के 6 बजे तक। अब यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट जो भी इसमें आपकी जो बातें हैं वो मैं बता देती हूँ। जो भी कैंडिडेट है एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो कौन कौन यहाँ पे आप दे सकते हो। कोई भी तरीके का अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फ़िलअप कर सकते हो। अब फ़िलअप कैसे करना है, अप्लाई कैसे करनी है इस एग्ज़ाम में, तो इस ये जो आपकी यहाँ पर वेबसाइट है इसी में आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो फिर उसके बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स भी देनी होगी, यानी कि प्रूफ के तौर पर। तो एक फ़ोटो आईडी आपको देना ही है कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी अदर फोटो आईडी कार्ड आप दे सकते हो जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फैसिलिटी है कि आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉवल भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए है जो कि इस एग्ज़ाम में अपियर नहीं होना चाहते हो। साथ ही लास्ट डेट अगर आप देख सकते हो कि 3 मार्च है शाम के 6 बजे तक, तो इससे पहले आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कर लीजिए, स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपको डिज़ायर्ड जो आपकी सेंटर से वो नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इस एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि पेनल्टी है, यानी कि आपके रॉन्ग मार्क्स के लिए ज़रूर पेनल्टी है प्रीलिम्स के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, मोबाइल बैन पूरी तरीके से, मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से बैन होती है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो प्लस ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो एग्ज़ाम का डेट है वो 31 मई है 2020 को होगी। इसमें ये सारे सर्विसेज़ के लिए एग्ज़ाम है, IAS है, IFS है, IPS है, उसके बाद ग्रुप ए की जितनी भी यहाँ पर आपकी सर्विसेज़ है सब आप देख सकते हो। उसके बाद ग्रुप बी की भी है कुछ कुछ यहाँ पर सर्विस, तो ये सर्विस आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो। अब मेन बात आता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है इस एग्ज़ाम में, तो टोटल वैकेंसी आपको 796 देखने को मिलेगी, जिसमें से 24 वैकेंसीज जो है वो आपके पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 796 टोटल आपकी जो है यहाँ पे वैकेंसी है। ओके, तो ये देख सकते हो। उसके बाद आप लोग लिस्ट ऑफ सर्विस देख सकते हैं कि सर्विस में अगर आप लोग किसी में भी एलिजिबल है, आपको अगर कोई भी तरीके की फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो चाहिए, फंक्शन क्लासिफिकेशन है, और बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो इस फॉर्म को, इस ग्रुप को ज़रूर देख लीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, किस किस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये आप लोग फुल देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई भी तरीके का, अगर आप लोग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सी सर्विस यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद आप लोग नीचे जाओगे इस PDF में, तो आपको पूरी सिलेबस देखने को मिलेगी कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए यहाँ पर सिलेबस रखा गया है, या इवन ऑप्शनल के लिए भी आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। तो पूरी सिलेबस के साथ ये आपकी PDF है, तो बहुत ही अच्छी PDF है। अगर आप लोग के पास आज तक कोई सिलेबस नहीं है, आप लोग को पता भी नहीं है कि UPSC की तैयारी में किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपका जो है कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस किस टॉपिक पे क्या क्या आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी एज लिमिट जो है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे अगर आपको रिजर्वेशन मिली हुई है, तो कुछ ना कुछ आपको रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। तो ये पूरी आपको फॉर्म में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप लोग को आज तक नहीं पता है कि इसमें सिलेबस क्या है, तो आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी डिटेल सिलेबस यहाँ पर दी गई है। और अगर आप लोग को ये जानना है कि 3 महीने में, यानी कि 100 डेज़ में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो UPSC प्रीलिम्स की, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो ये वाली वीडियो है, इसको आप लोग देख सकते हो कि 100 डेज़ में आप लोग कैसे जो है UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस चीज़ से आपकी बेटर यहाँ पे करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी हो सकती है। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बता रखी है कि आप लोग जो है, अगर आप लोग अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आप लोग को कैसे करना चाहिए, या फिर साल भर या 2 साल से आप लोग पढ़ रहे हो, तो फिर आप लोग को लास्ट मोमेंट में क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। साथ ही अगर आप लोग जॉब में हो और अभी सोच रहे हो कि 3 महीने में आप लोग को तैयारी करना है, तो फिर क्या स्टेप लेना चाहिए, कौन कौन सी रिसोर्सेज यहाँ पर आपको ऑप्ट करनी है, और करेंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से मैनेज करके चलना है, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप लोग यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ।
देती हूँ। ओके, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का डाउट है या क्वेरीज, क्वेश्चंस कुछ भी है, तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग सारे लेसन देख सकते हो। करंट अफेयर्स की आपको पूरी लेसन मिल जाएगी, विजन आईज की, करंट अफेयर्स की। साथ ही यहाँ पे हम लोग जो है क्विज़ भी डेली सॉल्व करते हैं। इनसाइट आईज की क्विज़ मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। साथ ही साथ आप लोग की स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री की कम्प्लीट हो चुकी है, और इन्वायरमेंट की कम्प्लीट होने के लिए पॉलिटी की भी काफ़ी पोर्शन हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। तो और भी बुक यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी, लेकिन बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही अगर आप लोगों को PT 365 जो विजन आईज की मैगजीन होती है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, अगर इसको आप लोगों को पढ़ना है तो इसकी लेसन डेली बेसिस पे आएगी। लेकिन मार्च में ये लेसन आपकी PDF पब्लिश होती है, तो उसी से आपकी उसी मंथ से आपकी ये आपकी जब भी ये पब्लिश होगी तब से मैं यहाँ पर लेसन लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग को ये सारी लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेसन अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट है उसको आप लोग शेयर कर सकते हो, मैं आपके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, डाउट हो जाता है कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, कैसे कंप्लीट करूँ। बहुत वास्ट सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको थोड़ा सा कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना ही होगा सारे सिलेबस को, और एट एनी हाउ जो है आप लोग यहाँ पे पढ़ना ही होगा। तो आप लोग पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, अब तो लग जाइए, क्योंकि अब फॉर्म आ चुकी है और 100 डेज आप लोग के लिए बाकी है। 31 मई को एग्ज़ाम होने वाली है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है इस एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप लोग को लग जाना है, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना, आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार आप लोग बस प्लेलिस्ट में आकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, सो गाइस इतने ही है आज के लिए, और फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने में भी अगर कोई परेशानी आती है तो इस PDF को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि आपको फॉर्म में क्या क्या, किस किस जगह पे क्या क्या मेंशन करना है, तो उस हिसाब से आप लोग मेंशन कीजिएगा, फॉर्म अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा लास्ट मोमेंट में, नहीं तो आपकी एडमिट कार्ड नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगी, या फिर ये लेसन भी ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को ये टेलीग्राम की लेसन चाहिए, मीन्स टेलीग्राम की अगर लिंक चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग रिसोर्स पॉइंट के नाम से सर्च करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि UPSC की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, कितनी वैकेंसीज़ है, कब तक यहाँ पर सबमिट करना है, सारी डिटेल्स इस PDF में आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेसन की अपडेशंस मेरी मिलती रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो थैंक यू।